छोटा सा गांव था। इस गांव के निवासी बहुत ही प्रेमपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, परंतु गांव के दो मुख्य परिवारों तापुतालों और ताकरियापर के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन दो परिवारों में आपस में बड़ा प्रेम था, गहरी मित्रता थी, किंतु अब इन दो परिवारों के सदस्य एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे। इस मनमुटाव का कारण थी ताकर ताची। ताकर ताची ताकरियापर की बेटी थी। असल में हुआ यूं कि तापुतालों का बेटा ताकरियापर की बेटी ताकर ताची को भगा ले गया। इस घटना से आहत ताकरियापर का मन तापुतालों के प्रति खिन्न रहने लगा और एक दिन इस मनमुटाव ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। तब गांव की पंचायत ने यह निर्णय किया कि इन दो परिवारों के झगड़े के निपटारे के लिए आबोतानी को बुलाया जाए। पंचायत की बैठक ताकरियापर के घर पर आयोजित हुई और निर्धारित समय पर आबोतानी वहां पहुंच गए। सारे लोग आबोतानी का स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें घर के भीतर ले आए। पंचायत की बैठक आरंभ हो गई। जब आबोतानी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने पूर्ण रूप से एक मध्यस्थ की भूमिका अपनाकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना प्रारंभ किया। जब आबोतानी बोल रहे थे तभी एक बूंद उनके ऊपर आ गिरी। आबोतानी ने सोचा शायद छत से पानी टपका होगा। अब जब अपनी बात समाप्त कर आबोतानी पंचायत के अन्य सदस्यों की बात को सुन रहे थे तब पुनः एक बूंद उनके घुटने पर आ टपकी। आबोतानी ने यूं ही जहां बूंद टपकी थी वहां उंगली फिराकर उसे चाटा। चाटते ही वे आश्चर्यचकित हो गए, कारण उस बूंद में गजब की मिठास भरी हुई थी। अब आबोतानी की उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत गृहस्वामी ताकरियापर से इस बूंद के बारे में पूछा कि आखिर यह बूंद है क्या। ताकरियापर ने उन्हें बताया कि यह उपोक मदिरा है। आबोतानी ने फिर प्रश्न किया कि इसे बनाने की विधि क्या है। ताकरियापर ने विस्तार से बताया कि उपो बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पकाया जाता है और फिर उसे ठंडा करने के लिए पेचे बांस से बना कालीन में फैला दिया जाता है और जब चावल ठंडा हो जाए तो उपो खमीर को उसमें खूब अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर उपोक मिश्रित चावल को बर्तन में डालकर नाका यानी घर की भीतरी छत पर रखा जाता है। चूल्हे में आग जलाकर छत को गर्म रखा जाता है। इससे कुछ दिनों पश्चात चावल पककर उपो बन जाता है। आबोतानी ने उपो बनाने की प्रक्रिया को बड़े ध्यान से सुना। दोनों परिवारों में सुलह कराने के पश्चात आबोतानी ने सबसे विदाई ली, किंतु जाने से पूर्व उन्होंने ताकरियापर को मदिरा बनाने के लिए उपोप के बदले में योचित चाकू और चमाक चकमक पत्थर दिए। ताकरियापर ने बड़ी ही सावधानी से उपोप को पत्ते में लपेटकर आबोतानी को देते हुए कहा, आपकी यात्रा तो अत्यंत लंबी होगी, आथ यात्रा के दौरान सुस्ताने के लिए एक विशेष जगह बतलाता हूँ। ताकर कार्गो लिरो नामक जगह सुस्ताने के लिए अति उत्तम है। वहां अवश्य सुस्ताकर अपनी थकान मिटा लीजिएगा। ताकरियापर से विदाई लेकर आबोतानी हंसी खुशी अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। जब आबोतानी ताकर कार्गो लिरों पहुंचे तो ताकरियापर के कथनानुसार सुस्ताने के लिए वहां ठहर गए। वह स्थान गोल गोल शिलाखंडों से भरा हुआ था। आबोतानी सुस्ता रहे थे तो उनके मन में एक इच्छा जगी कि पत्तों में लिपटा यह उपोप दिखता कैसा होगा। आबोतानी तो थे ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत पत्तों को खोल डाला। जल्दबाजी में पत्तों को खोलते समय अचानक उपोप पत्थरों की दरार में गिर गया। अब होना क्या था। आबोतानी अपना सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, इतनी कीमती वस्तु मेरे हाथ से छूट गई। आबोतानी बहुत दुखी हो गए। ठीक उसी समय बुमके नामक एक चूहा वहां से गुजर रहा था। चूहे को ताकरहांग गुम गांव जाना था। आबोतानी की घोर उदासी देख चूहा रुक गया और उनसे उदासी का कारण पूछा। आबोतानी ने व्यथित मन से सारा वाक्या सुनाया। चूहा बोला, आपकी उदासी देख मेरा मन पसीज गया।
मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपके लिए पत्थर की दरार में घुसकर ओपोक वापस लेकर आता हूं। अब तो आप खुश हैं? आबोतानी का चेहरा खिल गया और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल खुश हूं। तुम तो बहुत भले हो, परंतु चूहे ने एक शर्त रखते हुए कहा, पहले आप यह वचन दीजिए कि बदले में मुझे कुछ वरदान देंगे, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। आप तो दिव्य शक्तिधारी हैं, तब आबोतानी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हें कई सारे अधिकार देता हूँ। मसलन तुम मनुष्यों के घरों में रहकर उनकी वस्तुओं के साझीदार बनोगे, धान्यागार का धान और अन्य सामग्री को खा और कुतर सकोगे। यह सुन चूहा खुश हो गया और दरार में घुसकर ओपोक निकाल लाया, फिर उसे आबोतानी को लौटा दिया। आबोतानी ओपोक लेकर अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नियों को ओपो बनाने की विधि बतलाई। उनकी पत्नियों ने ओपोक को चावल में मिलाकर पोनोपो चावल वाली मदिरा और मड़ुआ में मिलाकर तेमोपो मड़ुआ वाली मदिरा बनाया। भिन्न भिन्न स्वादों वाली मदिरा का रसास्वादन कर आबोतानी गदगद हो गए। ओपो निशी जनजाति का एक महत्वपूर्ण पेय है। आजकल निशी घरों में पीने के लिए चाय या जूस दिया जाता है, परंतु पुराने लोग चाय से परिचित नहीं थे, क्योंकि तब दुर्गम पहाड़ों में चाय की खेती नहीं होती थी। घर में कोई अतिथि आए तो पीने के लिए ओपो ही दिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में ओपो को पवित्र मानकर देवी देवताओं को चढ़ाने का आज भी रिवाज है। पर्व त्योहारों में ओपो का सेवन हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रस्तुत लोक कथा इस तथ्य पर भी प्रकाश डालती है कि मनुष्य के घरों में चूहे का प्रवेश कैसे हुआ। निशी जनजाति यह मानती है कि आबोतानी के वरदान के कारण ही चूहों को घरों में प्रवेश का अधिकार मिला और इस अधिकार का निर्वाह पूरी निष्ठा से चूहे आज तक कर रहे हैं।